नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। ज्ञान ज्योति डिफेंस एकेडमी के अंदर 20 फरवरी से लेदर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था और आज इसका समापन हो गया है। समापन इस जो प्रतियोगिता के अंदर हुआ है, इसके अंदर जो फाइनल मैच है वो रत्ताखेड़ा और जाखौद गांव के बीच में हुआ था, जिसके अंदर जाखौद गांव की टीम ने विजय हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट को उन्होंने जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर के अंदर फाइनल मैच के अंदर जाखौद खेड़ा की जो टीम है उसने 119 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए रत्ताखेड़ा की टीम ने 109 रन बनाकर वो ऑल आउट हो गई। चौपटा ब्लॉक समिति के चेयरमैन है वीरेंद्र सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब जो ये पूरी प्रतियोगिता के अंदर जेता और उपविजेता जो टीम है उनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी टीम की, सारे कुल मिला के बैटिंग और बॉलिंग बहुत बढ़िया जबरदस्त रही, फील्डिंग उससे भी ज्यादा लाजवाब रही जी। पत्रकारों की तरफ से पीएमजी न्यूज की तरफ से जगत परदेशी जी, इस तरह से प्रतियोगिता हुई है, सभी पत्रकार आ जाएंगे। ग्राउंड भाई साहब बहुत ही लाजवाब ग्राउंड है, एरिया में देखने कोई नहीं मिलता। सुनील नांदवाल जी बहुत ही जबरदस्त। कितने मैच इस ग्राउंड के अंदर आपके हुए फाइनल तक पहुंचने के? पांचवा मैच था जी अपना फाइनल। प्रतियोगिता हमारे लिए बहुत अच्छी रही, ये हमारे प्लेयरों के लिए एक बढ़िया टॉनिक का काम करेगी और हमारी टीम में जो यंगस्टर हैं वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लगातार इसमें सुधार करते रहेंगे। आगे पूरा सीजन है, अगले साल हम और ज़्यादा सुधार करेंगे। ये ग्राउंड के बारे में क्या कुछ? ग्राउंड तो बहुत ही लाजवाब है, ग्राउंड के बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम होगा क्योंकि यहाँ अपने एरिया में 100 किलोमीटर तक ग्रामीण टूर्नामेंट को देखते हुए ऐसा ग्राउंड है ही नहीं। ये इतना ग्रासी और बढ़िया ग्राउंड है, ये यहाँ के जो अजब जी हैं इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और ग्राम पंचायत मानक दीवान का भी, जो इन्होंने इतना सहयोग से और इतना बढ़िया प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। कई बार ऐसी बातें आती थी क्षेत्र से कि नशा घर कर रहा है, लेकिन बिल्कुल हमारे युवा ने बदल कर रख दिया है। मैं किसी गाँव में जाता हूँ, जहाँ अभी हम जमाल में थे तो बहुत अच्छी एक कबड्डी की प्रतियोगिता हुई थी और युवाओं में एक जोश देखने को मिल रहा था। अगर मैं गुड़िया की बात करूं तो वहां वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी और यहां आके तो ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड में खड़ा हूं और बहुत अच्छी प्रतिभाएँ आई हुई हैं, तो एक माहौल जो बहुत अच्छा चेंज हुआ है। तो मैं पूरे क्षेत्र के हमारे जो नागरिक हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि हर गाँव में ऐसी प्रतियोगिताएँ हों और युवा बाहर आए ताकि नशे से बचे और वो अपनी शारीरिक क्षमता को आगे बढ़ाएं ताकि वो समाज को एक बहुत अच्छा अहम संदेश दे सके। तो यहाँ पर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसके अंदर जाखौद की टीम ने विजेता वो बनी है। अपनी न्यूज के माध्यम से भी हम ये अपील करते हैं कि इस तरह से नशे के जो एक प्रवृत्ति बढ़ी हुई है उसके खिलाफ इस तरह की जो मूवमेंट चल रही है, जो गेम चल रहे हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह से ज्ञान ज्योति डिफेंस अकेडमी चौपटा क्षेत्र के अंदर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये गेम्स के रूप में दिया जा रहा है, तो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव लोगों का देखने को मिल रहा है। अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि इस जो अकेडमी की तरफ से ये जो आयोजन किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप भी अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह की प्रतियोगिता करवाएं ताकि जो नशे के प्रचलन को कम किया जा सके। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।